और साइबर अपीलेट ट्राइब्यूनल को मर्ज कर दिया गया अपीलेट ट्राइब्यूनल ऑफ़ टेलीकॉम डिपार्टमेंट दैट इज द टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट अपीलेट ट्राइब्यूनल ठीक है तो अब टी डी सेट के पास सारी अपील्स जाती हैं आई टी एक्ट की भी और टी डी सेट किस किस एक्ट के अंडर बना है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट नाइनटीन नाइनटी सेवन इसके साथ साथ फाइनेंस एक्ट 2017 से कुछ सेक्शंस ओमिट किए गए हैं वैसे ये पूछेंगे नहीं एग्जाम में बट फिर भी आप एक बार देख लें सेक्शन 49, 50, 51, 52, 52 फिफ्टी टू टू ए फिफ्टी टू बी फिफ्टी टू सी फिफ्टी थ्री फिफ्टी फ़ोर एंड फिफ़्टी सिक्स ठीक है ये सेक्शंस ओमिट किए जा चुके हैं नाउ सेक्शन फोर्टी एट टॉक्स अबाउट अपीलेट ट्राइब्यूनल तो जैसा हमने देखा कि टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्राइब्यूनल जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट के अंडर में इस्टेब्लिश की गई है सेक्शन फोर्टीन ऑफ दैट एक्ट वो काम करेगी एज अ ट्राइब्यूनल फॉर दिस एक्ट और सब सेक्शन टू कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी कि, कि किस किस मैटर्स के लिए किस किस जगह पर अपीलेट ट्राइब्यूनल जो अपनी एक्सरसाइज कर सकती है फिफ्टी टू डी बात करता है डिसीजन बाय मेजॉरिटी कि अगर जब भी दो मेंबर की बेंच है और वो डिफ़र कर रही है ओपिनियन में किसी पॉइंट को लेके तो क्या किया जाएगा जो आपका अपीलेट ट्राइब्यूनल का पर्सन है उसको मैटर रेफ़र किया जाएगा उसके बाद फिर उसको सुना जाएगा और जो मेजॉरिटी डिसीजन होगा इन मेंबर्स जिन्होंने पहले मैटर सुना था उनको और चेयरपर्सन को मिला के वो आपका फाइनल डिसीजन माना जाएगा नाउ फिफ्टी फाइव इज़ ऑर्डर इज कॉन्स्टिट्यूटिंग अपलेट ट्राइब्यूनल टू बी फाइनल एंड नॉट टू इनवैलिडेट इट्स प्रोसीडिंग तो कोई भी ऑर्डर चाहे वो अपॉइंटमेंट को लेकर हो या फिर किसी क्वेश्चन uh, किसी भी यू नो प्रोसीडिंग को लेकर कोई भी अगर ऑर्डर uh, होता है तो वो आपका किस कहीं भी क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है मेयरली ऑन द ग्राउंड दैट मेयरली ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्ट इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन अपीलेट ट्राइब्युन या अपीलेट ट्राइब्यनल के कॉन्स्टिट्यूशन में कोई डिफेक्ट है उसको लेकर कोई भी क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है नॉट इम्पॉर्टेंट सेक्शन नाउ दिस इज एन इम्पॉर्टेंट सेक्शन सेक्शन फिफ्टी सेवन विच इज अपील टू अपीलेट ट्राइब्यूनल से पहले देख लेते हैं कौन अपील कर सकता है जो भी पर्सन अग्रीवड है बाई द ऑर्डर मेड बाय कंट्रोलर एडजुडिटिंग ऑफिसर या फिर सी सी ए ठीक है इन तीनों के ऑर्डर से अगर कोई है पर्सन तो वो अपीलेट ट्राइब्यूनल में अपील कर सकता है अंडर सेक्शन फिफ्टी सेवन ठीक सेकेंड इज़ फिफ्टी सेवन टू सेज़ दैट नो राइट टू अपील इफ़ ऑर्डर हैज़ बीन मेड विद कंसेंट ऑफ द पार्टीज अगर मान लीजिए जो ऑर्डर पास किया था कंट्रोलर एजुटकेटिंग अथॉरिटी या फिर सी सी ए ने विद कंसेंट ऑफ द पार्टीज़ ठीक है तो उसके लिए कोई अपील लाई नहीं करेगी ये हमारा सी का भी प्रोविजन है राइट right? अभी आपको अपील करनी कितने दिन में है यू हैव टू फाइल दी अपील विद इन फोर्टी फाइव डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ द ऑर्डर मेड बाई कंट्रोलर एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ये पीरियड एक्सटेंड भी किया जा सकता है ट्राइब्यूनल कर सकती है इस पीरियड को एक्सटेंड अगर इफ़ इट इज सेटिस्फाइड दैट देर वॉज सफिशेंट कॉज फॉर डीले इन फाइलिंग अपील तो इस टाइम पीरियड को एक्सटेंड भी किया जा सकता है फिर उसके बाद फिफ्टी सेवन फोर कहता है कि uh, to, ट्राइब्यूनल कंफर्म कर सकती है मॉडिफाई कर सकती है सेटिसाइड कर सकती है ऑर्डर को अब जो भी ऑर्डर करेगी अपीलेट अथॉरिटी वो आपकी उस ऑर्डर की कॉपी को भेजेगी दो जगह पर पहली किसको जो भी पार्टीज हैं जिन्होंने अपील की है उनको और दूसरा जो कंट्रोलर जुडिकेटिंग ऑफिसर है जिसके ऑर्डर की अपील आई थी उनको भेजी जाएगी ठीक है ठीक, है? ठीक तो अपीलेट अथॉरिटी को सिक्स मंथ के अंदर वाइंड अप करना होगा डिस्पोज ऑफ करना होगा अपील को ठीक है फ्रॉम द डेट ऑफ द स्टेट ऑफ द अपील ना नेक्स्ट इज फिफ्टी एट वन विच टॉक्स अबाउट प्रोसीजर ऑफ द अपीलेट ट्राइब्यूनल तो इसमें साफ साफ इन्होंने बोला है कि सी पी सी से बाउंड नहीं है अपीलेट ट्राइब्यूनल इट हैज़ टू बी गाइडेड बाई द प्रिंसिपल ऑफ नैचुरल जस्टिस एंड सब्जेक्ट प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट एंड एनी रूल्स ठीक है जो भी रूल्स बने हैं या एक्ट में कोई प्रोविजन है उससे बाउंड है प्रिंसिपल ऑफ नैचुरल जस्टिस से बाउंड है लेकिन सी पी सी अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर और अपिले ट्राइब्यूनल के पास पावर है कि वो अपने प्रोसीजर को खुद से रेगुलेट कर सके नाउ टॉकिंग अबाउट द पावर्स ऑफ अपीलेट ट्राइब्यूनल तो फिफ्टी एट सबसे टू टॉक्स अबाउट द पावर तो जो भी सिविल कोर्ट के पास पावर होती है अंडर सी पी सी वो इसके पास होगी जैसे कि समनिंग एंड एनफोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ पर्सन हिम ऑन ओथ रिक्वायरिंग डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन रिसीविंग एविडेंस ऑन एफिडेविट एक्सेट्रा एक्सेट्रा ओके ना फिफ्टी नाइन राइट टू लीगल रिप्रजेंटेटिव तो ये कहता है कि अपीले अपीलांट चाहे तो खुद अपेयर होकर अपना केस रिप्रेजेंट करे या फिर किसी लीगल प्रैक्टिशनर को या फिर किसी ऑफिसर को प्रेजेंट करके अपना केस प्रेजेंट कर सकता है सिक्सटी टॉक्स अबाउट लिमिटेशन तो कहते हैं कि जो भी अपील अपीलेट ट्राइबूनल को अपी अपील करने की लिमिटेशन पीरियड दी हुई है लिमिटेशन एक्ट में वो यहाँ पर भी अप्लिकबल होगी सिक्सटी वन इज सिविल कोर्ट नॉट टू हैव जोरिस्टिक्शन तो ये बात क्लियर कर दी गई है कि सिविल कोर्ट को की जोरिस्टिक्शन को आउट कर दिया गया है नो कोर्ट शेल एंटरटेन एनी सूट प्रोसीडिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर विच एन एडजुडिकेटिंग ऑफिसर दिस एक्ट या फिर अपिलेट ट्राइब्यूनल कॉन्स्टिट्यूटेडर दिस एक्ट इज एम्पावर्ड और अंडर द एक्ट टू डिटरमीन और कोई भी इंजंक्शन ग्रांड uh, नहीं कर सकता है कोर्ट दर अथॉरिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्शन टेकन और टेकन इम एनी पावर कन्वर्ड बाय और अंडर दिस एक्ट तो ना ही कोर्ट के पास जोरिजिक्शन है किसी भी कोर्ट के पास कि वो एंटरटेन करे कोई सूट और प्रोसीडिंग इस एक्ट के अंडर में और ना ही कोई भी ऑर्डर पास किया गया है अगर किसी अथॉरिटी ने अंडर दिस एक्ट कोई ऑर्डर पास किया है तो कोर्ट उस पर इंजंक्शन इंजंक्शन लगा सकती है सिक्सटी वन बार करता है ठीक है सिक्सटी टू इज अपील टू हाई कोर्ट तो अगर मान लें आप अपीलेट ट्रिब्यूनल के भी आप ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं हैं इफ़ यू थिंक द ऑर्डर इज नॉट करेक्ट ठीक है correct, तो आप क्या करेंगे फिर आप जाएंगे हाई कोर्ट के पास विद इन सिक्सटी डेज उसको उसके खिलाफ आप अपील करेंगे लेकिन जो अपील होगी वो इट शुड रिलेट टू एनी क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और लॉ अराइजिंग आउट ऑफ सच ऑर्डर ठीक है और अगर मान लो ये प्रोविजो अटैच कहता है कि अगर सिक्सटी डेज़ के पीरियड में नहीं हो पाता है तो हाई कोर्ट अगर चाहे तो एक्सटेंड कर सकता है अगर सफिशेंट कॉज दिखाई दे तो ठीक है नाउ नेक्स्ट इज सिक्सटी थ्री कम्पाउंडिंग ऑफ कॉन्ट्रावेंशनस क्या कंपाउंड किया जा सकता है तो जी हाँ बिल्कुल कंपाउंड किया जा सकता है एनी कॉन्ट्रवेंशन अंडर दिस एक्ट में इधर बिफोर और आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुडिकेशन चाहे तो एजुडेशन को इंस्टीट्यूट करने के बाद चाहे तो पहले कंपाउंडिंग कर सकते हैं कौन कर सकता है कंट्रोलर या सचदर ऑफ़िसर स्पेसिफिकली ऑथराइज्ड बाय हिम इन दिस बिहाफ सब्जेक्ट टू कंडीशंस कंट्रोलर या सचर ऑफिसर जो भी कंडीशन बनाएगा उस उसके सब्जेक्टेड होंगी ठीक है

अगर मान ले कोई इंसान सेम या फिर सिमिलर कॉन्ट्रवेंशन करता है विद इन अ पीरियड ऑफ थ्री ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑन विच फर्स्ट कॉन्ट्रवेंशन कमिटेड बाई हिम वॉज कंपाउंडेड तो फिर आप फिर से अप्लाई नहीं कर सकते हैं मान लीजिए एक बार आपने कॉन्ट्रविन किया कोई कोई सेक्शन इस कोई भी प्रोविजन इस एक्ट का उसको कंपाउंड कर लिया आपने अंडर सिक्सटी थ्री वन ठीक है कंपाउंड कर लिया विद इन थ्री ईयर्स आपने सेम या फिर सिमिलर कॉन्ट्रवेंशन की विद इन थ्री ईयर्स तो फिर अब सेकेंड या सबसिक्वेंट कंपाउंडिंग नहीं है आ, नहीं है ठीक है सिक्सटी थ्री सबसेक्शन टू बार करता है अब एक्सप्लेनेशन के लिए इन्होंने बता दिया कि सेकेंड या सबसिक्वेंट कॉन्ट्रावेंशन कमिटेड आफ्टर एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ थ्री ईयर्स विल बी कंसिडर्ड एज फर्स्ट कॉन्ट्रावेंशन मान ले सेम या फिर सिमिलर कॉन्ट्रावेंशन तीन साल के बाद की जाती है तो उसको फर्स्ट कॉन्ट्रावेंशन माना जाएगा उसको सिमिलर या सेम नहीं माना जाएगा ठीक है प्रोवी सबसेक्शन थर्ड सेज दैट नो प्रोसीडिंग और फर्दर प्रोसीडिंग एज द केस में बी शैल बी टेकन अगेंस्ट द पर्सन गिल्टी ऑफ सच कॉन्ट्रोशन इन रिस्पेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रोवेंशन सो कंपाउंडेड कम्पाउंड इज बार कंपाउंड हो चुका है तो कंपाउंड कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस का क्या uh, वो होता है रिजल्ट uh, अगर कहें कि क्या होता है तो वो टूटल का होता है तो अगर एक बार कंपाउंडिंग हो चुकी है तो फिर आप कोई और प्रोसीडिंग नहीं कर सकते हैं उसके खिलाफ सिक्सटी फोर एंड द लास्ट सेक्शन इज रिकवरी ऑफ पेनाल्टी और कॉम्पनसेशन तो कैसे रिकवर किया जाएगा जो पेनाल्टी और कॉम्पनसेशन हम ऑफेंसिस वाले चैप्टर में इम्पोज कर रहे थे उसकी रिकवरी कैसे होगी इट वुड बी डन एज एन एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू जैसे एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता है वैसे ही रिकवर किया जाएगा ये भी ठीक है और लाइसेंस या फिर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट विल बी सस्पेंडेड टिल द पेनल्टी इज़